दोस्तों, मैं उस उम्मीद और आप देख रहे हैं योरो व्लॉग्स को। तो गला खराब सा हो गया है, हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर। आपने खिलिया व्लॉग में देखा होगा उसने कहां पे एंड किया है भाई, और हमें सामने गोरख धाम के इंडिया के सबसे बड़े जो मठ है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के, जो गोरखनाथ जितने भी धाम और मठ है टीले हैं ना, सबके सब यहीं से ही चलाए जाते हैं। एक बात और, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम है ना, वो यहीं के महंत थे। चलते हैं अंदर धाम में, मठ में, एंड देखते हैं। अभी तो फ्रेश वगैरह सब कुछ होना है यार, बहुत काम बाकी है। टाइम क्या हो रहा है अभी? 9:10 बाकी है। चलते हैं धाम में, चलते धाम में, देखते हैं कुछ अंदर से कुछ महिमा है। चलिए भाई, फाइनली दोस्तों फ्रेश वगैरह हो गए हैं, एंड अब करते हैं यहाँ पे गोरखनाथ जी के दर्शन। मंदिर के अंदर तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। बाहर पुलिस वाले से बात हुई, उसने बाहर ही मना कर दिया कि बाहर से आप बना सकते हो बट अंदर अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर कि अंदर शूट ना करो। चलते हैं यहाँ से, प्रॉपर पूरा एक बना रखा था भाई, ऐसा बिल्कुल सही अंदर ही धाम के अंदर प्रॉपर पूरा सिस्टम बना रखा है फ्रेश वगैरह होने का, तो हमारे लिए बेनिफिट रहे। मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं एंड आपको मिलते हैं, ठीक है जी। दोस्तों अभी जो मैंने अभी दर्शन किया ना गोरखनाथ जी के, वो साक्षात गोरखनाथ जी की समाधि है। पंडितों से पूछा है मैंने एंड वो भी कहते हैं हाँ ये गोरखनाथ जी की समाधि स्थल है। पांडुपुत्र भीम वो यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे बोर्ड लगा तो कहते हैं कि यहाँ पे जब राजसूय यज्ञ हो रहा था ना युधिष्ठिर जी का, चक्रवर्ती सम्राट बने तो उससे पहले ये राजसूय यज्ञ होता है। गुरु गोरखनाथ जी को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए भीमसेन आए थे यहाँ पर। निरंतर गोरखनाथ जी के ना मतलब समाधि मिली रहने के कारण तो यहाँ पे भीमसेन ने यहाँ पे रेस्ट किया था, विश्राम किया था। तो आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो बनाई छोटी सी, वो आपके साथ में डाल दूंगा। तो इस तरह यहाँ पे भीमसेन लेटे हुए थे काफ़ी टाइम तक, निरंतर काल तक लेटे रहे यहाँ पर। तो जैसे ही वह गोरखनाथ जी समाधि से निकले तब उन पर उठाया गया, और इसी तरह ये बनाया गया है ये भीम सरोवर जस्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे ना एक मेला चल रहा है यहाँ पर, तो आप मेला देखना ना भूलिए। तो जा रहे हैं मेला देखने जा रहे हैं। तो गोरखनाथ उन योगियों में से हैं जिन्होंने प्राणायाम, जो जैसे जो महा जो योग जो थी ना, जो योग एक्टिविटी थी वो इनके ही द्वारा निर्मित थी। प्राणायाम जो मोस्ट फेमस है, सुना होगा आपने, ओम क्या करते हैं सांस लेते छोड़ते हैं बाहर ना, वो इन्हीं के द्वारा निकली गई है। हेलो भाई, योगरो ब्लॉग। हाँ, नेपाल गए थे, आपका एक ब्लॉग देखे थे। हाँ हाँ, नेपाल गए। हाँ, लास्ट ब्लॉग भाई। ये लोग भाई लोग आ गए भाई मिलने, भाई मेले में आ गए, हमको दिखा यहाँ पे शूटिंग वाला। 20 रुपये में 5 गोलियाँ मारो। 20 का 5 है। अच्छा अच्छा, है ना, हमने मारने वाले हैं। सब झूले लगे थे प्रॉपर तरीके से, हैं खाएं, खा पी लेते हैं, तो चलो कुछ खा पी लेते हैं मेले में, खा पी लेते हैं। चाट चूट खा के अब निकले यहाँ पे मेले को और देखने। तो मेला देखा, झूले बड़े एंडी एंडी आया, देख के मजा आ रहा, पूरा बचपन के दिन याद आ रहे झूला देख देख के। चलो तो आप भी झूले देखो तब तक, लो भाई नज़ारे, लो नज़ारे। यहाँ पे छोटे बच्चों के झूले, मौत का कुआं देखा मैंने, बचपन में बड़ा देखा है कदम से यार। 20-30 रुपये टिकट लेता था, आपको 50-60 रुपये टिकट, बहुत महंगाई बढ़ गई है। एनीवे ये मंदिर है देखो भाई गोरखनाथ जी का, हमने सुबह चक्कू दिया था यहाँ पुलिस वालों को, क्योंकि हर जगह पुलिस ही पुलिस खड़ी है। यूपी है भाई, जहाँ योगी वहाँ पुलिस। भाई ऑटो पकड़ के जा रहे हैं जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, वहाँ से ट्रेन हमारी वाराणसी की। देखते हैं पहले बीच में कोई मतलब स्टॉप है कि नहीं, मतलब जहाँ पे हमारा जाना ज़रूरी है तो वहाँ जाके बताते हैं, स्टेशन पहुँच के बात करते हैं आपसे। ये भाई गोरखपुर का जंक्शन, ठीक है, ये पहला प्लेटफॉर्म, बाकी प्लेटफॉर्म आगे है। अभी हम बैठेंगे थोड़ी देर, अखिल अपनी सारी फाइल ट्रांसफर करेगा, एडिटिंग करेगा, ठीक है, चलते आइयो। कहाँ गया भाई, बैठ गया होगा, कहते हैं पम पम ऐसे मेरे बोलने भी करना होता है क्या। ट्रेन खड़ी है 4वां प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है शालीमार एक्सप्रेस, वो जा रही है यहाँ से डायरेक्ट वाराणसी। तो वाराणसी चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के, आइए। ला भाई अपनी सीट पकड़ ली हमने टाइम टाइम से, जरूरी है ना, जनरल डब में जितना पहले आ जाता फायदा आपका, अदरवाइज अगर लेट हो गए तो सीट मिलना मुश्किल है।
छः सात घंटे खड़े होके जाओगे और पैर दर्द करेंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं वाराणसी। इससे पहले थी वाराणसी सिटी, तो पहले वहां उतरने वाले बट अनक भाई से पूछा कि मतलब जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का किसके सबसे ज़्यादा पास पड़ता है, तो भाई ने कहा कि जंक्शन के पास पड़ता है, तो भाई जंक्शन उतरे हैं। और मार्केट है बड़ी सही, खाने पीने का चल है, खाने पीने का साइड साइड में चला है। तो बाहर चलते हैं मार्केट के, स्टेशन के बाहर चलते हैं फटाफट, कम ऑन। तो भाई बाहर आए कुछ खा लेते हैं, गिर ना जाए कहीं पर, ठीक है जी। काफ़ी लिट्टी चोखी खा ली खाने में मज़ा आ गया, स्वाद आ गए भाई। तो भाई बिहार में बोलते हैं लिट्टी चोखा और यहाँ बोलते हैं बाटी चोखा। आप सोने जगह ढूंढते हैं, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एड कर रहा हूँ क्योंकि जाके सिर्फ हम सोए, कुछ और नहीं करने वाले। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।